हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कैसे 5 मिनट में आप अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट करना ना भूलें। नंबर 1 टिप दोस्तों जो आपको फॉलो करनी है, आपने अपने इंस्टाग्राम पे रेगुलर पोल करना है। देखो दोस्तों, इंस्टाग्राम इज़ ऑल अबाउट एंगेजमेंट। सो अगर आप कुछ बिफोर आफ्टर चीज़ कर रहे हैं, सपोजिंग मैं एक हेयर कट के लिए जाने वाला हूँ, तो इसके लिए हम एक पोल कर सकते हैं, फोटो दिखा सकते हैं कि यार यू नो दिस इज़ मी राइट नाउ। मैं अभी हेयर कट के लिए जाऊँ नहीं जाऊँ, और उसके बाद जो पोल आता है लोगों की एंगेजमेंट रहती है। आप वो बाद में अपना जो आफ्टर है, जो हेयर कट के बाद का लुक है, वो शेयर कर सकते हैं, या आप बिफोर आफ्टर डाल के कि यार ये मैं ऐसा दिखता था, ये मैंने अभी ऐसा जो है लुक कर लिया है। उसके ऊपर आप पोल लोगों से पूछ सकते हैं कि कौन सा लुक उनको बेटर लग रहा है। और पोलिंग से क्या रहता है ना, एंगेजमेंट बनी रहती है और इंस्टाग्राम को लगता है कि यार अकाउंट आपका जो है लोग आके देख रहे हैं, आपसे एंगेजमेंट कर रहे हैं, तो इसको ग्रो करने में ज़्यादा मदद करेगा। नंबर 2 दोस्तों, आपने करना है आस्क क्वेश्चन। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने ऑडियंस आपके साथ कनेक्टेड हैं, आपके जितने फॉलोअर्स हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन चलना चाहिए। देखो, आप सारे कमेंट्स को आप रिप्लाई नहीं दे पाते, सारे डीएम्स के रिप्लाई नहीं दे पाते, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार टाइम निकाल के आप एक Q&A सेशन करो, जिसमें लोगों से आप क्वेश्चन पूछो। और जो सवाल आपसे लोग पूछ रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत बार मैंने अपने इंस्टाग्राम पर यहाँ पर आस्क मी अ क्वेश्चन किया हुआ है, तो वो क्वेश्चन जो लोग लिखते हैं उसके आप रेगुलर रिप्लाई करें, ताकि जो आपके फैंस हैं उनको एक ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ अरे बंदा हमारे लिए सोच रहा है, हमारे लिए क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है। तो एंगेजमेंट आपको ग्रो डेफिनेटली होगी। नंबर 3 दोस्तों, आपने अपने कमेंट्स के रिप्लाई करने हैं। देखो यार, जो लोग आके आपके रील पे, आपके फोटोज़ पे आके इतनी मेहनत करके लाइक कर रहे हैं, कॉमेंट कर रहे हैं, उन कॉमेंट पर आपने डेफिनेटली जब आपको टाइम मिले हार्ट्स भेजो, लाइक भेजो। अगर किसी ने सवाल भेजे हुए हैं उनके आंसर करने की कोशिश करो। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मैं खुद सभी लोगों को नहीं आंसर कर पाता, लेकिन जब टाइम मिलता है मैं अपने पुराने कमेंट्स जाता हूं, खोलता हूं, कमेंट करता हूं। और उससे होगा क्या, जब आप कमेंट करते हैं या हार्ट देते हैं, आपका जो यूज़र है, आपका जो इंस्टाग्राम फॉलोअर है, उसको एक नोटिफिकेशन जाएगा कि हाँ यार इस बंदे ने मेरे अभी कमेंट को लाइक किया है, या मेरे कमेंट पे हार्ट डाला है, या कमेंट पे उन्होंने रिप्लाई किया है। तो वापस आपके अकाउंट पे वो आएंगे, चेक करेंगे, और इससे आपका जो इंस्टाग्राम है उसको लगता है कि भाई अकाउंट पे बार बार रीच आ रही है, लोग आके देख रहे हैं, अकाउंट ये अच्छा है, तो इसको आगे ज़्यादा लोगों को दिखाने की कोशिश रहती है। नंबर 4 दोस्तों है हमारी हैशटैग स्ट्रैटेजी। देखो, बार बार मैंने अपने रील्स में, वीडियोस में बोला है कि हैशटैग का जो फंडा है वो 2022 तक लिमिटेड था, वो अब आउटडेटेड हो गया है। आपने सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड हैशटैग यूज़ करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सर्चेस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एल्गोरिदम को पुश करने के लिए कि आपका कंटेंट आगे दिखे। सो जो मेन आपका वीडियो है या फोटो है, और जो उसका आपने टाइटल लिखा है, उससे रेलिवेंट आपने हैशटैग लिखना है। आप सपोजिंग मैं फोटोग्राफी टिप दे रहा हूँ, तो मैं हैशटैग फोटोग्राफी टिप यूज़ करूँ। मैं ये नहीं कि फैशन फोटोग्राफी डाल दूं, या कार फोटोग्राफी डाल दूं, नेचर फोटोग्राफी डाल दूं, बिकॉज मैं एक टिप दे रहा हूं। मेरी जो वो हैशटैग है उसी जॉनर को, उसी कहते हैं ना जो नीश है, वहीं को टारगेट करने के लिए वो हैशटैग यूज़ करना जो आप बना रहे हैं। सो ये जब भी आप डालें ज़रूर सोच समझ के डालें। लास्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप जो आपको फॉलो करनी है वो है कंसिस्टेंसी की। यस, आपने रेगुलर वीडियोज़ बनाने हैं, रेगुलर पोस्ट करनी है। जैसा मैंने पहले कहा दोस्तों, सिंगल फोटो डालना आप बंद कर दें। आप राउजल जितना डालेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, एंड जितना ज़्यादा रील्स हो सकता है इस टाइम पे वो कैश इन कर लो, बिकॉज उससे आपको फॉलोअर्स में और रीच ज़्यादा मिलने में बहुत हेल्प होगी। सो ये 5 मिनट के अंदर अंदर मैं चाहता था आपको एक्सप्लेन कर दूँ ये सारा फंडा, जिससे आप भी अपने इंस्टाग्राम की रीच बढ़ा सकते हैं। कैसा लगा इसका वीडियो, नीचे लाइक कॉमेंट करके बताना। और कोई और सवाल आपका इंस्टाग्राम को लेकर या सोशल मीडिया को है, नीचे आप कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर दें। आई वुड लव टू आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।